नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में पाठ 7 सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तक हमने पढ़ लिया था, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। इसके आगे के भेद, दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन सर्वनाम शब्दों से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध होता है। जैसे मैं आप सामान उठा लूँगा, वह खुद पहुँच जाएगी, हम स्वयं पता कर लेंगे। इन वाक्यों में आप, खुद तथा स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि निजवाचक सर्वनाम क्या है? ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, मतलब इसमें सिर्फ हम अपने बारे में बात करते हैं, अपनेपन का बोध कराते हैं। जैसे मम्मी ने खाना बना लिया तो आपने बोला कि मैं अपने आप खाना परस लूँगी, या मैं अपने आप खाना खा लूँगी, मैं स्वयं कपड़े धो लूँगा, है ना, मैं खुद स्कूल चली जाऊँगी। तो इसके जो उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं? आप, स्वयं और खुद, अपने आप भी इसका उदाहरण होता है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिसमें व्यक्ति या कर्ता अपने लिए जो इनका इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह आरती की घड़ी है, वह रास्ता बहादुरगढ़ को जाता है, ग्राहक उससे दूध ले रहे हैं। इन वाक्यों में यह, वह और उससे निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम क्या, मतलब किसी निश्चित वस्तु की ओर, किसी निश्चित व्यक्ति की ओर इशारा करना या संकेत करना, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमें किसी निश्चित व्यक्ति की ओर या निश्चित वस्तु की ओर पता चलता है। जैसे आप जाते हैं स्कूल, तो बहुत सारे स्कूल पढ़ते होंगे रास्ते में, मगर आप क्या कहते हो? यह मेरा विद्यालय है। तो यह क्या है? निश्चित जगह की ओर इशारा कर रहा है कि यही स्कूल है, वो मेरा है, या यह घर मेरा है, या वह दो भाई मेरे बड़े भाई हैं। तो आपने जिन दो व्यक्तियों के बारे में इशारा किया वो आपके दो भाई हैं। तो यहाँ पर यह, वह, उससे, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है जो किसी निश्चित व्यक्ति की ओर या निश्चित वस्तु की ओर इशारा करते हैं। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये बिल्कुल इससे उल्टा होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बाहर खड़ा है। अब कौन बाहर खड़ा है ये आपको नहीं पता। किसी ने मेरी पेंसिल चुराई। किसने पेंसिल चुराई ये भी आपको नहीं पता। विपिन कुछ खाओगे। अब विपिन क्या खाएगा ये भी आपको नहीं पता। इन वाक्यों में कोई, किसी और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों है अनिश्चयवाचक सर्वनाम? क्योंकि यहाँ पर हमें किसी वस्तु या व्यक्ति का अनिश्चितता का बोध होता है, यानी हमें पता नहीं होता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों से हमें अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके और भी उदाहरण हैं कि पानी में कुछ गिरा है। अब पानी में क्या गिरा है ये आपको नहीं पता, है ना। ऐसे बाहर कोई खड़ा है। अब कौन खड़ा है ये आपको नहीं पता। दरवाजे पर कौन है, तो कौन है, कौन भी किस में है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अगर आप बोलते हैं दरवाजे पर कौन है, कौन है आपको नहीं पता। तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वैसे कौन आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है, इसलिए हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में उसको नहीं लेते। संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में आए वे सर्वनाम शब्द जिनका संबंध एक दूसरे के साथ होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पैसे देंगे वे बस पे चढ़ेंगे। जिसने चोट पहुंचाई थी उसने माफ़ी मांग ली। जो बोएगा वह काटेगा। इन वाक्यों में जो, वे, जिसने, उसने तथा जो, वह संबंधवाचक सर्वनाम है।
संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि वाक्य में वे सर्वनाम जो एक दूसरे का संबंध बताते हैं, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कैसे हो सकते हैं, जैसे जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, तो जो और वही है ना, तो जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, तो जिसने मेहनत की होगी वही तो पास होगा। ऐसे ही जिसने चोट पहुंचाई है उसने माफ़ी मांग ली, मतलब जो चोट पहुंचाता है वही उसी ने माफ़ी मांग ली, तो इसमें भी जिसने और उसने क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो बस में पैसे देंगे वही वे बस पर चढ़ेंगे, तो जो पैसे देंगे वही बस पर चढ़ेंगे, तो एक सेंटेंस दूसरे पर क्या है, निर्भर है। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिसमें वाक्य वे सर्वनाम वाक्य में आए वे सर्वनाम शब्द जिनका संबंध एक दूसरे के साथ होता है, यानी एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये तो आपको सभी को पता है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आरती को बुलाकर कौन लाया था, अब यहाँ पर कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। भाई साहब ने उससे क्या दिया, क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। भाई साहब को विपिन को किसने भेजा था, किसने क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इनका एक और पहचान है कि हम जब भी इनमें प्रश्नवाचक वाक्य वो शब्द आते हैं तो हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक चिन्ह। तो इन वाक्यों में कौन क्या तथा किसने क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न करने के लिए हम या संबंध पूछने के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा पाठ सर्वनाम, जिसके कितने भेद पढ़े हमने, 6 भेद पढ़े, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। कल की क्लास में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, आपको अभी इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके उदाहरण याद करने हैं, इसके आगे का पाठ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।